बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि आम लोगों के सामने आवाज़ ऊंची करके हंसा मत कर और ना ही बिला वजह लोगों के सामने मुस्कुराया कर, इससे तेरे रोब में कमी आएगी। जिस चीज़ के जानने की तुम्हें ज़रूरत हो उसके जानने में शर्म महसूस मत करो। औरत की जगह पर उस वक्त तक ना बैठो जब तक वो गर्म रहे। अपने दुश्मनों से ज़्यादा दोस्तों के शर से बचा करो, इसलिए कि लोगों की आदत में बाकसरत खराबियां वाकया हैं और तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे दोस्तों के ज़रिए ही तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। औरतों से कसरत से बातचीत करने और उनकी मजालस में बैठने से गुरेज करो। तीन चीज़ों को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, नंबर एक दौलत, नंबर दो औरत और नंबर तीन जायदाद। लोगों के साथ मुख्तात मेल जोल रखा करो, क्योंकि मालूम नहीं कौन शख्स आपके पास किस रंग में आ जाए। जब तुम्हें ये यकीन हो जाए कि तुम अहलो अयाल की जिम्मेदारी उठा सकते हो तो शादी कर लो, फ़ायदे में रहोगे। मुसीबतें गुनाहों का नतीजा हुआ करती हैं। कम हंसा करो, ज़्यादा हंसोगे तो दिल मुर्दा हो जाएगा। जो मुसीबत लोग तुम पर नहीं डालते, तुमको भी चाहिए कि तुम उन पर कोई मुसीबत ना डालो। जलील और घटिया लोगों से दोस्ती का हाथ मत बढ़ाओ। मैं बखील शख्स को आदल नहीं समझता और ना ही उसकी गवाही कबूल करता हूँ। पड़ोसियों की दी हुई तकलीफ को बर्दाश्त करो और उनके साथ भलाई करो। बीवी के करीब जाने से पहले अल्लाह का जिक्र और उससे खैर तलब कर लिया करो।